Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but the... दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आप देख के समझ ही गए होंगे, तो आज हम आपको ड्राइव रिव्यू देने वाले हैं रेनॉ क्विड क्लाइंबर का। ये टॉप एंड वेरिएंट रहता है क्विड का, और साथ ही आज हम चला रहे हैं इसका 1 लीटर पेट्रोल इंजन। तो अगर आपने 0.8 लीटर का ड्राइव रिव्यू अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके देख लें। और ये देखें आपके सामने इस गाड़ी का टर्निंग रेडियस कितना अच्छा दिया गया है। तो हम बात कर रहे थे 1 लीटर इंजन की, तो आज हम 1 लीटर के साथ इसका AMT ट्रांसमिशन चेक कर रहे हैं, और सारे रिव्यूज और फीडबैक आपको इसी वीडियो के एंड तक क्लियर कर देंगे। अगर फिर भी कोई बात ऐसी रह जाती है जो आपको क्लियर ना हो पाए, तो कमेंट सेक्शन खुला है, जाके हमें पिंग करें और अपना रिप्लाई पाएं। उसके अलावा हमें इंस्टा पे फॉलो करके और डायरेक्ट मैसेज करके भी आप अपना रिप्लाई ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो की। तो आज के इस वीडियो बनाने में हमें असिस्ट किया है रेनो नोएडा ने, और स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर इन्हें कॉन्टैक्ट करें। उसके बाद बात कर लेते हैं अब गाड़ी की। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये इसका 1 लीटर इंजन है, और 0.8 लीटर भी काफ़ी इम्प्रेसिव लगा था जिस प्राइस रेंज के साथ ये गाड़ी आती है। और अगर प्राइस रेंज की बात करें तो इस गाड़ी के या रेनो की सभी गाड़ियों के प्राइजेस अभी हाल ही में बढ़ा दिए गए हैं, तो अगर आप उन सबसे अपडेटेड नहीं है तो जाके देख लें। हमने एक प्राइस हाइक 2021 के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें सभी ब्रांड्स के हाइक प्राइजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। मुझे बड़ा मजा आ रहा है इस गाड़ी को यू टर्न करने में, क्योंकि काफ़ी ईजिली ये गाड़ी काफ़ी कम स्पेस में टर्न हो जाती है। और सबसे अच्छी चीज़ जो इस गाड़ी की लगी वो ये रोटरी नॉब, काफ़ी असिस्ट करता है आपको ड्राइविंग में और एक प्रीमियम फील ये आपको दे जाता है। साथ ही चेकआउट करें इसका रियर कैमरा, डिस्प्ले में थोड़ी रिफ्लेक्शन आ रही है क्योंकि डे टाइम है, बट ये देखिए काफ़ी इजीली मैं इस गाड़ी को मैन्यूवर कर पा रहा हूँ बिना किसी परेशानी के। साथ ही इंटीरियर क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी रखी गई है, और कैमरा क्वालिटी भी अच्छी खासी है। चलिए अब एक बार एक्सटीरियर लुक्स देख लें गाड़ी की, और साथ ही हेडलाइट का रिस्पॉन्स चेकआउट कर लें कैसा दिखाई दे रहा है डे टाइम में। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के अदर एस्पेक्ट्स की। तो सबसे पहले तो चेकआउट करें इस गाड़ी का इंटीरियर लुक, जो मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। उसके बाद देखें इस गाड़ी की विजिबिलिटी। ओवरऑल ए पिलर्स काफ़ी स्लिम है, ब्लाइंड स्पॉट बनता है ORVM की वजह से, और वो भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है। और बोनट आपको दिखाई देता है, जो कि काफ़ी कम हैचबैक्स में ऐसी चीज़ देखने को मिलती है। और विजिबिलिटी में इस गाड़ी को काफ़ी अच्छे मार्क्स दिए जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं ओवरऑल ड्राइवर्स कम्फर्ट की। तो ड्राइवर कम्फर्ट में ये देखिए, अभी डुअल स्पीड ब्रेकर्स मैंने क्रॉस करे और कोई ज़्यादा बम्प्स गाड़ी में नहीं आए, और आप मानेंगे ये एंट्री लेवल कार है। और उसके अलावा सीट्स की बोल्स्टरिंग और ये जो ऑरेंज का टच दिया गया है इस क्लाइंबर वेरिएंट में, काफ़ी खुश कर देता है इसके सभी ओनर्स को। उसके बाद बात कर लेते हैं अर्गोनॉमिक्स की। तो अर्गोनॉमिक वाइज टच स्क्रीन सिस्टम दिया गया है, वॉल्यूम के लिए नॉब्स दिए गए हैं, बाकी सभी चीज़ें आपके कंट्रोल में रहती है, और अर्गोनॉमिकली गाड़ी में कोई इशू देखने नहीं मिलने वाला। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं 3 लेन रोड पे गाड़ी को घुमा के देख रहा हूँ, और गाड़ी काफ़ी इजीली ट्विस्ट एंड टर्न आप कर सकते हैं। इस चीज़ के मैं आपको एक्सटीरियर शॉट्स भी दिखाऊंगा, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि इस गाड़ी को चलाना वाकई कितना आसान है, और कोई भी बंदा इसे आराम से चला सकता है। साथ ही काफ़ी ज़्यादा लोग एंट्री लेवल कार्स खरीद के और उस पर गाड़ी की ड्राइविंग सीखते हैं, तो आप इसके साथ भी ये चीज़ कर सकते हैं। और अब क्विड पुरानी हो चुकी है और अपने आप को मार्केट में प्रूव कर चुकी है, तो आप इजीली इसे सेकेंड हैंड मार्केट में भी ढूंढ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट सस्पेंशन की। तो जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर, अब मैं आपको एक बार एक्सटीरियर से दिखा देता हूँ, क्योंकि इसके सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, और हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी सस्पेंशन की वजह से एक प्लस पॉइंट बन जाता है इस गाड़ी का। तो यहाँ से चेकआउट करें इसका फ्रंट लुक, ये डुअल स्पीड ब्रेकर्स को अभी क्रॉस करने वाली है, और गाड़ी की लुक्स भी एक बार देख के बताएं कि आपको कैसी लग रही है। यहाँ चेकआउट करें तो ओवरऑल ये ब्लू कलर गाड़ी के ऊपर काफ़ी सूट कर रहा है। चलिए अब आपको साइड लुक दिखा देते हैं, और सस्पेंशन ट्रैवल आप इसमें देख पा रहे होंगे, तो काफ़ी कम सस्पेंशन ट्रैवल में ये गाड़ी आपको आपकी डेस्टिनेशन पे बिना झटके अंदर पहुँचाए ले जाती है। तो ये चेक करें इसका बोल्ड फ्रंट लुक, जो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है क्रोम के टच के साथ। अब आप देख लें इसका ओवरऑल टर्निंग रेडियस, जो काफ़ी इजीली ट्विस्टेड टर्न करी जा रही है गाड़ी बिना किसी इशू के। चलिए अब चलते हैं वापस गाड़ी के अंदर, और ये देखिए USB सॉकेट्स दिए गए हैं, क्विड की बैजिंग करी गई है, और
ओवरऑल स्पीडोमीटर चेकआउट कराते हैं आपको, तो डिजिटल स्पीडोमीटर दिया गया है एक एंट्री लेवल कार में, साथ ही केबिन लैंप है। और सभी फीचर्स जानने के लिए आप हमारा वॉकआउट वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें हमने सभी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। अब यहाँ चेकआउट करें, इतनी अच्छी गाड़ी और ऊपर से इतना अच्छा व्यू, AMT की आपको सहूलियत मिल जाती है और स्टेयरिंग फील भी काफ़ी अच्छी दी गई है। तो एक एंट्री लेवल कार से मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना कोई ठीक बात रहने वाली है। पावर विंडोज मिल जाते हैं पीछे भी और रियर पार्सल ट्रे दी गई है। डोर पैनल्स में ऑरेंज का टच मिल जाएगा, क्रोम डोर हैंडल्स है। इसके बाद देख लीजिए ये पार्सल ट्रे दी गई है। यहाँ पे आपको रियर में भी पावर सॉकेट मिल जाता है, जो काफ़ी महंगी महंगी गाड़ियों में भी बेसिक रहता है। वो फीचर इस गाड़ी में आपको कवर करके दे दिए हैं रेनो ने। तो जैसा कि आप समझ ही गए, अब हो रहा है इसका 0 to 100 टेस्ट। ये कोई परफॉर्मेंस कार नहीं है और ना ही इस गाड़ी को आप 80, 90, 100 से ऊपर चलाएं, बट स्टिल एक बार टेस्ट कर लेते हैं। हाई RPMs पे भी गाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और गियर शिफ्ट भी काफ़ी इजीली हो पा रहे हैं, क्योंकि AMT है तो मेरे को कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है गियर्स की तरफ। और 91, 93, 94 गाड़ी इजीली 97 की स्पीड तक जा पाई, उसके बाद आगे कोई आ गया था, बट ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी रखी गई है गाड़ी की। अभी इस शॉट में आपको ब्रेकिंग का एक आइडिया लग जाएगा। काफ़ी हाई स्पीड में मैं गाड़ी लेके आ रहा था और ये देखिए थोड़ी सी नोज डाइव के साथ गाड़ी ऑलरेडी रुक चुकी है। अब यहाँ आप चेकआउट कर पा रहे हैं मैं इस गाड़ी को कितना इजीली म्यूजिक के साथ एंजॉय करता जा रहा हूँ। तो अगर आपको इस गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम के बारे में और जानकारी चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे आ जाए और इसका म्यूजिक सिस्टम सुन के जाए और साथ ही कमेंट छोड़ के जाए कि एंट्री लेवल कार का म्यूजिक सिस्टम आपको कैसा लगा। साथ ही अभी मैं ट्रैफिक में ड्राइव कर रहा हूँ और AMT होने की वजह से कहीं कोई दिक्कत का सामना तो मुझे करना ही नहीं है। अब ये चेकआउट करें, इतना इजीली आप रिवर्स कर सकते हैं, फ्रंट जा सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें इस गाड़ी के साथ कर सकते हैं। वापस से गाड़ी में आ चुके हैं, एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग, सस्पेंशन, ट्विस्टीज और यू टर्न, मुझे लगता है सभी चीज़ें हमने आपके लिए कवर कर दी है। क्लच इस गाड़ी में है नहीं, स्टेयरिंग फील काफ़ी अपने सेगमेंट के हिसाब से अच्छी खासी है, तो मुझे नहीं लगता और कोई पॉइंट रह गया है। बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस वीडियो में आपको प्राइस देखने नहीं मिलने वाली है, प्राइसिंग के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें 2021 के प्राइजेस आपको मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसके ओवरऑल आपकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी की। तो हाई स्पीड पे गाड़ी स्टेबल रहती है और रोड पे चिपक के चलती है, और ओवर हाई स्पीड जैसे 120 प्लस कहते हैं वो आप अगर एंट्री लेवल कार्स के साथ ना करें तो अच्छा होगा। वैसे ड्यू टू सेफ्टी रीजंस किसी भी कार के साथ आपको 120 से ऊपर ड्राइव नहीं करना चाहिए। बाकी हमने इस गाड़ी को टेस्ट किया अराउंड 110 तक और कोई वाइब्रेशन वगैरह इस गाड़ी में देखने को नहीं मिलती है। बाकी जब आप कार एक बार स्टार्ट करते हैं तो हल्का सा गियर नॉब पे वाइब्रेशन ज़रूर मिलता है और इसकी कोई शिकायत भी नहीं करी जा सकती, बिकॉज सभी चीज़ें देख के चले तो ये ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा पैकेज कस्टमर को प्रोवाइड करा देती है, जहाँ कमियाँ कम है और फ़ायदे ज़्यादा है। तो बेसिक बात करें तो ये गाड़ी आप बिल्कुल चुन सकते हैं इसके कॉम्पिटिटर्स के आगे, और कहीं भी ये गाड़ी आपको निराश नहीं करेगी और आपको हमेशा आपकी मंजिल पे आपकी एक पहचान बनकर आपको ले जाती रहेगी। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में। धन्यवाद।